आ गया, ठीक है डन। देखो 9A का हम सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है, लेकिन अभी जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, क्योंकि 9B का 6 तक हम क्वेश्चन करवा दिए थे क्लास में, ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज 7 से। लेकिन जब डिमांड आएगा कि नहीं, तुम लोग सही बोल रहे हो कि 9A का पूरा क्वेश्चन चाहिए, तो हम पूरा क्वेश्चन को टाइम निकाल करके और डेली आधा आधा घंटा में हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले 9B अब बना देते हैं जब इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल, ये किसका है, RS अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 9B कहता है इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो चलो कोई भी क्वाड्रिलेटरल मान लो, चलो मान लेते हैं एक ऐसे, कुछ भी मान सकते हो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है कि हम क्या माने, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये मान ले रहे हैं। अब इसमें दे लो क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, बस इतना ही बोला, एक डायगोनल चाहिए AC, डायगोनल ले लो AC और BD, जैसे बोला काम कर दो, नेम दे दो ABCD। ये जैसे अगर हम लिख देते हैं तो थोड़ी सी बात अब समझना कि पहले, और इसको अगर हम पॉइंट O मान ले, O नहीं मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो O मान लेते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर O नहीं मानेंगे तभी कोई ज़रूरत नहीं है, एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल लेके चलते हैं, ट्रायंगल ABC कौन सा दिखा, ABC क्या सीखे थे, सीखे थे कि दो को अगर ऐड करेंगे तो तीसरा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या हम लिख सकते थे कि AB + BC > AC, कोई दिक्कत है। इसको इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से अगर हम इस डायगोनल के नीचे लिए हैं ट्रायंगल, तो इसी के डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल अगर लेंगे तो कौन आएगा, ACD। तो हम यहाँ पर लिख दें कि ACD, जैसे ही लिखेंगे तो बताओ AD + DC > AC हो जाएगा। तो बोलो AD + DC > AC इक्वेशन नंबर 2। अभी कौन सा डायगोनल यूज कर रहे थे ये बताओ, डायगोनल हम AC यूज कर रहे थे, तो AC यूज किया, दो ट्रायंगल बना, एक नीचे और एक ऊपर। अगला बार में यूज करो कौन वाला, BD, क्योंकि यहाँ पर हमको दोनों चाहिए था, इसलिए यूज करेंगे BD, और BD जब यूज करेंगे तो एक बार ये ट्रायंगल और एक बार वो ट्रायंगल। तो अगर मान लो कि हम लिखे कि इन ट्रायंगल, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ट्रायंगल ABD, अब बताओ AD + AB करेंगे तो BD से क्या मिलेगा, बड़ा। तो लिख देते हैं AD + AB > BD इक्वेशन नंबर 3, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से अब बताओ अगला ट्रायंगल कौन लोगे, तो इसके उधर में, तो BCD, तो यहाँ से आ जाएगा BCD। तो अब बताओ BC + DC > BD, तो लिख दे BC + DC > BD इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में AC और BD ही दिखा और लेफ्ट हैंड साइड में सारा साइड दिख गया, अगर सबको जोड़ देते हैं तो बताओ, जब हम लिख दे कि 1 + 2 + 3 + 4 सबको जोड़ दो, बताओ AB कै बार मिलेगा, AB बताना, AB एक AB यहाँ एक AB यहाँ, कै बार दिखा, 2 बार। BC बताना 2 बार, AD बताना 2 बार, और DC बताना 2 बार, सारे के सारे 2 बार मिल गए। तो जब 2 बार मिल गया तो सब में अगर 2 कॉमन लेंगे तो AB + BC + CD + DA मिलेगा क्या, बोलो। जब सबको देखे, सबको जोड़े और सब 2-2 बार था, तो सब में से 2 कॉमन निकाल लिए, तो हमें बचा कौन सा, AB BC CD DA, कोई दिक्कत। और ये ग्रेटर देन रहेगा किसको से, तो AC AC
टू ए सी और बी डी बी डी टू बी डी, तो इधर भी हमारा टू ए सी और प्लस क्या आ जाएगा बी डी। अब करते क्या है कि दो से दो को क्या कर दो, काट दो, और जैसे ही काटेंगे तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। और देखो तो यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। आया समझ में, कोई दिक्कत है तो ध्यान दो कैसे सोचे। हम ये सोचे थे कि ये डायगोनल से बड़ा है, और डायगोनल से बड़ा है तो इसीलिए हम ये क्या किए, इस डायगोनल के दोनों साइड से दो दो बार लिखे, तो दो दो बार लिखे तो दो हमें कॉमन पता था कि दो बार लिखेंगे तो एसी भी दो बार आ जाएगा, अब दो से दो कट जाएगा और हमें जो चाहिए वो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसको अभी लिखना अच्छा नहीं है, बाद में लिख लेना, ठीक है। कहोगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा और इसको वहाँ से भी घर पे कॉपी कर सकते हो। कोई दिक्कत, आज के लिए इसी तरह से सोच रहे थे कि या तो फिर घर पे जाके देखो, वीडियो देखोगे तो तुमको मिलेगा 9 से 10 बजे के बीच में वीडियो, ठीक है। और अगर मान लो हाँ पढ़ने के टाइम में 9 से 10 के बीच में वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। और नहीं तो फिर जाकर फिर सॉल्यूशन देख सकते हो, तो वीडियो ही अच्छा रहेगा कि वीडियो पहले देखो, रोक रोक करके देखो, समझ में आ जाए फिर देखो। तो एक दो बार अगर यही चैप्टर को 2-3 बार अगर देख लेते हो तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन दे भी दे ऐसा टाइप का तो फिर बचेगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कहता है क्वाड्रिलेटरल फिर से ए बी सी डी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ले लो, ए बी सी डी डायगोनल फिर से आएगा ए सी आर। यहां पर एक काम करना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट मान लो ओ मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो किधर में बड़ा कर दिया, उधर में, इसलिए ये काम करना पड़ेगा। अब करो क्या कि चार ट्रायंगल तुमको दिख गया होगा, कौन कौन, ओ ए बी एगो, फिर ओ बी सी, ओ सी डी, ओ डी ए, दिखा चारों ट्रायंगल में एक बार चलो। तो देखो चलते हैं, तो सबसे पहले ए ओ बी, तो बताओ दो को छोटा वाला को जोड़ देंगे तो क्या होगा, बड़ा वाला से बड़ा हो जाएगा। ये दोनों के जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इक्वेशन नंबर 1। अगर चलते हैं सेकेंड, तो फिर लिखो इन ट्रायंगल बी ओ सी, तो किस में आप चलेंगे, इसमें, तो ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी, तो लिख दे ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड में देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सी ओ डी, चलो इसमें सी ओ डी, देखना ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन डी सी, इक्वेशन नंबर 3। अब आ जाओ लास्ट इन ट्राइंगल डी ओ ए, तो बताओ ओ डी प्लस ओ ए ग्रेटर देन ए डी, इक्वेशन नंबर 4। चारों को ऐड कर दो, क्या कर दो, चारों को ऐड कर दो, और जब ऐड करेंगे तो ध्यान देना कि लिख देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब चारों को ऐड करेंगे, ओ ए देखो तो क्या बार आया है, ओ ए देखना, ओ ए, ओ ए दो बार, ओ बी, ओ बी दो बार, ओ सी, ओ सी ती दो बार, और ओ डी सब कितने बार, दो दो बार। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन सब था, और इधर में कौन आ जाएगा, चारों, और चारों मतलब कौन सा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब बात और समझना, अगर ओ ए और ओ सी को एक साथ लिखा जाए और ओ बी और ओ डी को एक साथ लिखा जाए तो ये तो रहेगा ए बी बी सी सी डी और डी ए। बताओ ओ ए यहाँ से यहाँ और ओ सी यहाँ से यहाँ, दोनों के जोड़ देंगे किसके बराबर, ए सी, ओ बी यहाँ से यहाँ, ओ डी यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे बी डी, और ये किससे बड़ा हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी प्लस
अब तुम ही बता, प्रूफ यही ना करना था, सिर्फ क्या किया था, साइन चेंज किया, तो इसको उधर कर दिए और इसको इधर, तो हम लिख सकते हैं AB प्लस CD DA, इधर ही कितना बड़ा था, तो बड़ा इसी को छोड़ो, AC प्लस इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन अब YouTube बहुत अच्छा किया है, जो लोग आदमी डाउनलोड कर लेते थे अब वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिना उसको प्रीमियम लिए हुए, ठीक है, वो अच्छा है, वो हम लोग जैसे आदमी के लिए अच्छा सोचा YouTube, ठीक है, कि डाउनलोड ना करके बार बार सो क्या करो, देखो। और ऐसे भी बात बताओ, जब यहाँ पर 5G आ गया फ्री में, तो यार नेट बार बार ले तो क्या दिक्कत क्या है, और लोग डाउनलोड कर लेते थे, अब रिचार्ज किया तो उसको फ्री है ना, एक बार तो रिचार्ज करना ही पड़ेगा ना, अब एक बार तो डाउनलोड करोगे तो रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा, तो फिर क्यों, तो इसलिए अच्छा किया है हम लोगों के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बी बराबर 35 डिग्री, ओके, एंड द बाइसेक्टर ऑफ बी एस सी ये वाला का बाइसेक्टर एक्स जो है बी सी पर कटता है, तो अरेंज करना एक्स को, इसको, बी एक्स को और सी एक्स को, कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। अब बात समझो, ये 105 तो 75 डिग्री बनेगा क्या? Yes. बोलो, कोई दिक्कत है? अगर हम ये ट्रायंगल में चलना सीखे, ये ट्रायंगल में, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी एक्स, बताओ सबसे बड़ा एंगल कौन, 105, फिर 40 और फिर 35, बताओ 105 के सबसे सामने कौन है, ए बी सबसे बड़ा साइड, 40 सामने बी एक्स, फिर बताओ 35 ए एक्स, इक्वेशन नंबर। अब चलो दूसरा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए एक्स सी, बता सबसे बड़ा एंगल कितना है, 75, फिर और फिर बता 75 किसके सामने, ए सी, और फिर 65 ए एक्स, और फिर 40 एक्स सी। अब तुम्हें बता, इक्वेशन नंबर ध्यान देना, क्या इसको और इसके बारे में कहीं कहा गया है क्वेश्चन में, हटा देते हैं उसको, तो एक बात यहाँ पर समझना, नोट करना, बी एक्स एक से बड़ा, एक्स एक्सिस से बड़ा, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन, बी एक्स हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि कंबाइंड करो किसको, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें क्या दिख गया, तो दिखा कि बी एक्स सबसे बड़ा, फिर एक्स और फिर सी एक्स, तो हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना का हो गया, 9 का हो गया, कोई दिक्कत, बात समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो इन द गिवन फिगर, ध्यान देना, सबसे पहले ट्रायंगल देख लो, ट्रायंगल अगर हम चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, बताओ कौन सा दिया हुआ है, पी क्यू ग्रेटर देन, तो इसलिए पी क्यू ई वाला ना है, और देखो तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, R, कौन सा है, R, तो कह सकते हैं कि एंगल R होगा, सो बड़ा होगा किससे, एंगल Q से, क्योंकि PR ये है और इससे करस्पॉन्डिंग Q, तो हम कह देंगे कि एंगल Q से बड़ा है। जब बताओ बाबू, जब ये बाइसेक्टर है ना, तो क्या हम इसको बांट दे, आधा दो से डिवाइड कर दे, अगर हम दो से डिवाइड करें तो भी क्या कोई प्रभाव पड़ेगा,
नहीं, अब तुम ही बताओ, जब दो से डिवाइड किए थे तो इस एंगल को क्यू आर एस बोल सकते हो, तो हम इसे बोल सकते हैं क्यू आर एस ग्रेटर देन, क्यू का आधा ये वाला होगा तो आर क्यू एस हो जाएगा, बोलो आर क्यू एस। अब तुम ही बताओ, अगर हम ये ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल एस क्यू आर में, एस क्यू आर में, तो बताओ एंगल कौन वाला बड़ा है, एंगल कौन बड़ा है, ये वाला, किससे, इससे, तो इसके सामने में एस क्यू बड़ा होगा, किसको से बड़ा होगा, आर एस से, कोई दिक्कत, तो इसके लिए अगर देखेंगे तो ये वाला आर के पास है, आर के सामने हो गया एस क्यू, ये बड़ा होगा किसको से, क्यू के सामने है एस आर से, और यही हमें क्या कहा था, कोई दिक्कत आसमान में। एक क्वेश्चन नंबर कितना था, 10 था, आगे बढ़ते हैं। क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। आप कोई दिक्कत नहीं है, प्रचार वगैरह कर सकते हो। चलो, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ योर स्कूल्स, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, कहता डी जा, डी इज एनी पॉइंट ऑन द साइड एसी, एसी पर कहीं पर भी डी पॉइंट है एबीसी ट्रायंगल का, जिसमें कह रहा है कि आपका एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी बराबर ए सी, नाम दे दे यहाँ पर ए, आइए दोनों बराबर है तो कह सकते हो बाबू कि एंगल बी और सी क्या हो जाएगा, बराबर, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर कितना होगा, सी, कोई दिक्कत है। अब तुम ही बताओ, अगर कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है डी, क्या लेना है डी, मान लो कि हम डी पॉइंट यहीं पर लिए, तब बता ई वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, ये तुम्हारा सी से छोटा कि बड़ा होगा, जब ये पूरा था तब बराबर था तो कम कर देंगे तब छोटा ना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इन ट्रायंगल देखते हैं किस में, बी सी डी में, तो पता चलता है कि सी बी डी जो है छोटा होगा, किसको से, तो एंगल सी से, कोई दिक्कत, क्यों होगा, क्योंकि बी और सी बराबर था और उसी में से अगर थोड़ा सा कम कर देंगे ऑब्वियसली क्या होगा, छोटा, और इसीलिए बताओ इसके सामने में कौन सा साइड, सी डी या डी सी, आई लेस दैन, और सी के सामने में कौन सा साइड है, बी डी, और यही तुम्हें क्या कहा था, समझ में, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, अब कहता है देखो टाइम कितना बच रहा है इसमें, इसमें 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 कितना देखो, तो कितना टाइम लिखा हुआ, इतना खसीब देखो, हाँ हाँ ठीक है, एक ही क्वेश्चन बच रहा है, ऐसा भी और क्वेश्चन है, चलो देखो, 16 क्वेश्चन है, चलो देखते हैं पहले यहाँ तक, 12 देखते हैं, क्योंकि 12 एक पेज में था ना, एक तरफ में, एक ही तरफ का हम बनाए थे पेज, ये इसीलिए सोचो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल लेना है अदर देन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल को छोड़ करके तुम्हें जो मर्जी है ले लो, तो हमको मर्जी ये करता है कि यार राइट एंगल ले लो, क्या ले लो, राइट एंगल, तो नाम दे दो ए बी सी, कहता है एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, तो कौन वाला एंगल, बी, किसके लिए, बी, ये जो कहता है जो बी होगा ना ये ग्रेटर देन होगा किसको से, 2/3 ऑफ 90 डिग्री से, कहता है ये प्रूफ करना है। एक बात बताओ, अगर सबसे बड़ा है तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, अरे ए सी बताओ सबसे बड़ा लिखे है ना बी के अपोजिट में, तो इसको से तो बड़ा होवे करेगा, और जब इससे बड़ा होगा तो कह सकते हो क्या कि बी इसके अपोजिट वाला एंगल बी और इसके अपोजिट वाला एंगल ए इसको से बड़ा होगा,
कोई दिक्कत? इसलिए आगे चलते हैं फिर से। जब ये बड़ा है, ये है तो बताओ ए बी सी तो बड़ा होगा, और बी ए किसके सामने था? बी का। और ये बताओ किसके अपोजिट हो जाएगा? इसके अपोजिट सी का। इक्वेशन नंबर दोनों को ऐड कर दो तो बी और बी कितना बी और ग्रेटर देन। अब बताओ इसके में किसकी कमी दिख रहा है? दोनों तरफ क्या ऐड कर दो? बी ऐड कर दे तो दो गो और एक गो तीन गो, और ए प्लस बी प्लस सी कितना डिग्री? तो बताओ एंगल बी इज ग्रेटर देन 180 को लिख सकते हो, दो गुने 90 बोलो yes, और ये तीन को कहाँ भेजेंगे? नीचे। तो देखो तो लगता है प्रूफ हो गया yes. हो गया 2/3 इंटू 90 डिग्री। कोई दिक्कत है आज समझ में? 180 को लिख सकता दो गुने 90 है, तो दो गुने 90 लिख दिए तो तीन कहाँ गया? नीचे। तो 2/3 इंटू राइट एंगल। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आया ना। चलो अगला क्वेश्चन। नहीं है स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं 13, 14, 15, 16 अगला वीडियो में डाल देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं ना। आप देखो ये तो गया नमेरिकल का, भी सोच रहे हैं कि वीडियो इस तरह से डिस्टर्ब करता है कैमरा तुम लोगों को पढ़ने में, नहीं ना। तो जब डिस्टर्ब नहीं करता है तो दो फायदे हो जाएंगे, एक कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है? जब ज़्यादा हल्ला होता है अगर कभी कभी, तो वो इस दौरान हल्ला होगा नहीं क्योंकि तुम्हारे आवाज़ इसमें कैप्चर हो जाएगा, और कैप्चर होगा तुम्हारे गार्जियन को अगर सुना देंगे तब बताओ कहता कि बच्चा पढ़ता है कि क्या करता है, कंप्लेन हम दोबारा ठोक देंगे। इसलिए ध्यान रखना कि आप लोग, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना कि आप लोग हल्ला भी नहीं करोगे और जल्दी में पढ़ भी लेंगे, और दोबारा क्या हुआ कि आप लोग का यूट्यूब पर भी मिल जाएगा अगर दिक्कत हो रहा है तब, ठीक है? दो बार तीन बार अगर एक ही चीज़ को देखोगे खुद ब खुद ध्यान होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको बंद कर देते हैं, पॉज।